अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैं इनको बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं नहीं इस मामले में ज़्यादा पढ़ना चाहती। उन्होंने कहा सिर्फ एक मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़े भी तो हम आपको बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा वैसा। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है, और एंड पे बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोलें कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकया बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मिस ने बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी आप, बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। मिस के डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जब मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके लगा दिया कि कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासर है कि आई विटनेस है, इसने देखा है मैंने, जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। जागती रहती हूँ उसके ऊपर, मैं फौरन एक्शन लेती हूँ, और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीपीओज हैं, आईजी साहब हैं, इन सबको पता है कि अगर खवातीन के या बच्चों के खिलाफ कुछ होगा तो अपने आप कानून को जो है वो हरकत में आना, और जो कल्प्रिट्स हैं या जिन पे इल्जाम है उनको अरेस्ट करना है। दो दो घंटे में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर का जो क्राइम है, इट हैज गॉन डाउन बाय 42%। ये कोई छोटी बात नहीं है, देयर इज समबडी डूइंग दिस बिहाइंड द सीन्स। लॉ एंड ऑर्डर मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है, और चीजें वेट कर सकती हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें, इज्जतें, माल महफूज नहीं है। हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती। और कल गुजरात में जो हुआ, वाकया लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पे लाया गया। और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके भेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे, वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई है कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत, दो दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाक्या हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तस्वीर, मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है, वो बहुत उसको चोट आई हुई है सर में, और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फौरन पता किया, मैंने गुजरात में, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है। उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई है, तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है। उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई, मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया, और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई मैं उसके वालिद से इन टच थी फ़ोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था, वो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई है, और वो अब रिकवरी में शिफ्ट हो गया, ICU में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहाँ पर सर्जरी में रहा, DC वहाँ पर मौजूद रहा, और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी, वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़रा थी, तो वहाँ पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए, और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है पुलिस, और उस पुलिस को जो
गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था, क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया, दो लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया, ही इज बिहाइंड बार्स। तो बात यह है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ, अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ। पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक्य से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई, ऑनेस्टली दिस इज हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के खानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये केपीके से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए आग लगाने की कोशिश की।